हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज सी4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन सी3 प्लांट्स बिकॉज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे है कि सी4 प्लांट्स ये सी3 प्लांट्स से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेटिकली ऐसा क्यों होता है रीजंस आर ऑप्शन ए CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड ऑप्शन बी दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन सी CO2 कॉम्पेसेशन पॉइंट इज मोर एन ऑप्शन डी सी ओ टू जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिडेशन इज रिसाइकल्ड थ्रू फोस्फोनोल कार्बोक्सीस सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट इज अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट हेयर द की कॉन्सेप्ट इज सी थ्री एंड सी फोर पाथु सी थ्री पाथुए में क्या होता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो हो जाए किसी कारण तो जो रूबिस को होता है वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देते है, हैं ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है यूजली ये एग्जाम कार्बोक्सिलेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करते हैं हाउएवर अगर कंसेंट्रेशन कम हो जाए सीओ टू का एंड एनफ अमाउंट में कार्बन नहीं ले पा रहा है तो रूबिस को ऑक्सीजन से ही फिक्सेशन करना शुरू कर देते हैं एंड इसी प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है हवेवर C4 के केस में क्या होता है C4 फोर पाथवे में फोस्फोइनोल पायरबेट प्रेजेंट होते हैं PEP। ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर से लेके हेल्प ऑफ पेप केस दैट इज कार्बोक्सिलेस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके दे फॉर्म अ फोर कार्बन कंपाउंड नोन एज ऑक्जेलो एसिडेट फिर ये ऑक्सैलो एसिडेट ये कन्वर्ट होता है फर्दर मैलेट में and मैलिट एंटर करता है बंडल बंडलशीत सेल में एंड पे बंडल बंडलशीत जो सेल होता है यहाँ पे थिक वॉल प्रेजेंट होता है जो कि इम्परवियस होता है टू एनी एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज सो यहां से ना ही सीओ टू जो यहाँ पे फिक्स होने वाला है वो स्केप कर पाएगा और ना ही बाहर से ओ टू एंटर कर पाएगा हेंस यहाँ पे जो रूबीस को प्रेजेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेस की तरह ही काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फोटो का प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंस नहीं है सो इट कैन नॉट फॉर्म ऑक्सीजनस एंड हेंस यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है नो no फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है और समटाइम वेस्ट प्रोसेस भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फिक्सेशन हो रहा है ऑक्सीजन को लेके ये एक अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं जो उतना ज्यादा हाई यील्डिंग नहीं होता है जितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में मिलता है सो so, इस फोटो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए बंडल बंडलशीत सेल्स का इन्वेंशन हुआ है या इसको प्रकृति में लाया गया है तो ये क्या करता है मैलेट को कन्वर्ट करके थ्री कार्बन कंपाउंड बना लेता है एंड सीओ टू यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं ये सीओ टू फर्दर एंटर कर सकता है सी थ्री साइकिल एंड यहाँ पे और भी फिक्सेशन हो सकता है सो इफ यू चेक द क्वेश्चन में कहा गया था आंसर इज ऑप्शन डी सी ओ टू जनरेटेड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इज रिसाइकल थ्रू पीपी कार्बोक्सिलिस यहाँ पे जो सीओ टू बनता है ये वापस सेल्विन साइकिल uh, में फॉर्म होता है यहां पर भी फिर से ऑक्सीडेशन होता है फिर इनका हो जाता है, जितने भी एंजाइम्स यूज हुए हैं सो so, ये एक एफिशिएंट पाथवे होता है सी थ्री में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं तो वहां पे इतना हाई इल्ड नहीं हो पाता फोटो सिंथेटिकली बट सी फोर में हाई इल्ड होता है क्योंकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन को रोका जाता है इन बंडलशित सेल्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक